आपने इधर बाइक लगाई है? अस्सलाम वालेकुम। बाइक आपने लगाई है इधर? कितने पैसे दिए? 20 रुपए क्यों दिए? 10 की पर्ची है। 20 लेते हैं रेगुलरली। 20 आधे 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 कम से कम 20 है, नहीं तो 30 तो है। 20 और 30 माफिया और ये पक्के बदमाश है। 20 रुपए भी है, 30 रुपए भी है। क्यों ले रहे हैं? किसकी हिदायत पे ले रहे हैं? नहीं नहीं, वो सारे कह रहे हैं हमने 20-30 रुपए दिए हैं। पर्ची क्यों फाड़ी हुई है गलत जगह से? आपने बाइक खड़ी की है सर? कितने पैसे दिए हैं? कितने पूछे इन्होंने कुछ? बेटे बात सुने, एक्सक्यूज मी, बेटे बात सुने, कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपए? सारे झूठे हैं। रोज सच्चे हो सर जी? आज कल उन्होंने मोटरसाइकिल ले ली। ये आपने पर्ची इसकी पर्ची के ऊपर से आपने फाड़ के दिया हुआ है। और ये 10 रुपए फाड़े हो, 20 और ये 20 दे रहे हैं। 10 क्यों फाड़े हैं ऊपर से? और ये 20 क्यों दे रहे हैं आपको? नहीं है ऊपर 10 किसको देते हैं? ये जो 20 ले रहे हैं। हेलो, आप 20 क्यों दे रहे हो भाई? हेलो, बात सुने चाचा, मैं अब आपको बताता हूँ। इधर देखें, ये जो भाई साहब खड़े हैं ना, ये वजीर हैं, मिनिस्टर साहब ने। अच्छा, मिनिस्टर साहब आप आए हैं, सीओ साहब थोड़े सामने खड़े हैं, तो तवज्जो ना दार करो। जी सर, हुकुम। ए 20 रुपए कातो लेंदे हो, एक्स्ट्रा चार्जिंग क्यों करते हो? नहीं को अपने आप दे देवे बाहर। नहीं, अपने आप पर्चियां नहीं करके दे देंदे हो, तो पाड़ देंदे हो पैसे, तो किवें हो आपे आप दे देगा सर? पर्ची दी है ऊपर वाले 10 रुपए किसको दे रहे हैं सर? जो पैसा इकट्ठा हुंदा साडा, तो सानू मुआवजा नहीं मिलदा। देखो काम साडे ने, आप जुल्म हो रहा है की करके। ए देखो सानू काट के दियो सारीयां रसीदां में, लै के ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਗਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 14,000 ਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰ। ਹਮ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਤੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਬੇਸ ਪੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਰਸੀਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਅੰਗੂਠਾ ਕਿਧਰ ਲਗਾਇਆ ਆਪਨੇ? ਓ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਣੀ? ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਤੇ ਐਡਾ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ? इधर आप खड़े हो गए, 1,000 रुपए मांग ले। इस बुक के पैसे आपने कितने देने होते हैं? हुकूमत की आपने वर्दी पहनी हुई है सर, सरकारी देने सुपरवाइजर नु आसान की करने नहीं जनाब। सानू तो तनख्वाह मिलनी या को खुदा तरसी करेगा दुकानदार। ऐसे भीषण दिया गड़ियां लगी। सुपरवाइजर का नाम की चाचा? हैं कॉल करो, बुलाओ लो। बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के जो है वो एक्स्ट्रा सर असल इससे बड़ी तकलीफ ये है कि वो समझ रहे कि ये ठीक है, वो तो समझ रहे अपना हक है हमारा, क्योंकि जिसने उनको बताया है उसने यही बताया कि पुत्र ठीक कर रहे हो। और ये मैं आई मस्ट से थैंक्स टू यू। और नाज़रीन मैं ऑनेस्टली ये बात कहना चाहूंगा, ही इज द फर्स्ट वन जो निकले हैं बाहर। जहाँ ये कल्चर नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये किस परवरिश से आए हैं। आपसे लेते हैं कल्चर यहाँ का नहीं है सर, वो ही लेके जाते हैं, वो ही बुका वो 10 रुपए लेते हैं ऊपर वाले। ऊपर ले जाने सारे खा। कितने लेते हैं दिन के? इनके सुपरवाइजर है, ये कह रहे हैं कि मैं 20 रुपए ले रहा हूँ। वजीर बल्दियात हूँ, ये आपके सीओ है, वो कह रहे हैं मैं 20 रुपए ले लूँ, 10 रुपए आपको देता हूँ, 10 रुपए इधर जा रहे हैं। अभी इन्होंने कैमरे पे स्टेटमेंट दिया है, सुपरवाइजर ले जाते हैं। मैं तो जो टोकन पे जो टोकन साहब मैं रात को लेता हूँ, बकाया इनके यहाँ पे अखराजात होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, टोकन, ये टिकट बहुत ज्यादा यहाँ पे पड़ती है। वो नहीं, आप कैमरे में कह रहे हैं कि मैं सबसे पैसे ले रही है सर, कैमरे में कह रहा हूँ। ये वर्कर इनसे पूछ रहे हैं यहाँ से, ये बिल वगैरह ये सारे रात को ये खुद यहाँ पे करते हैं। जो मतलब कि कोई नॉमिनेट बंदा नहीं होता, कोई भी आ जाता है, रिश्वत देते हैं, रिश्वत नहीं देते वो, आकर कहते हैं कि भाई ये चीज हमें खाने के लिए, ये चीज चाहिए, ये लाकर उनको देते हैं। कौन कौन आके कहते हैं ये सर? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट यहाँ पे आते हैं। हेलो, हमारे इधर कोई वार्डन है बुलाए? अभी नहीं, तो वार्डन है जो आपसे, एक सेकंड एक सेकंड, जो वार्डन आपसे पैसे लेते हैं, सीए का नाम बता दें या बुला दें उसको। डायरेक्ट मेरे से वजीर साहब खड़े हैं यार, मजाक नहीं। मेरे से अगर कोई बंदा आके नहीं लेता, ये जो भी यहाँ पे लड़के लेते हैं उनको बुलाए। वो कह रहे हैं ये आपको 10-20 रुपए लेते हैं, 10 रुपए आपको देते हैं। आप मैंने बुक से जो ये बुक्स का जारी, ये एक तो पहले बताया, ये बुक जो है ये यहाँ से क्यों फाड़ी हुई है? ताकि 10 रुपए नजर ही ना आए, बंदे को पता ही ना लगे कितने की पर्ची है। ये तो पहली 2 नंबरी है, ये किसी अंधे को जाके बताएं तो अलग बात है, हम तो देख सकते हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपने आप को बना रहे हैं, हमें तो नहीं बना सकते।
ये पर्ची चेंज इसलिए की थी कि इसमें हर जगह अमाउंट लिखी होगी नहीं, इनके पास क्यों है? जो नया स्टॉक आया वो सब तकरीबन ये दो दिन बाद यहाँ पे खत्म आज हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी अगले घंटे में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, आज पे परेशान ना हो। अभी कोई पर्ची आप देख लें 10 रुपए पर नजर नहीं आएगा किसी को। ओवर चार्जिंग ऐसे नहीं, ओवर चार्जिंग ऐसे रख के फाड़ते हैं उसको, स्टाइल है ऐसे रख के फाड़ते हैं, वो 10 रुपए उनके पास रह जाते हैं जो लिखा होता है, और पर्ची उसको चले जाती है उसको पता है 20 रुपए है। कोई बंदा कुछ कह के दिखाए फिर चपेड़े। अच्छा, पता नहीं कहां से बड़े अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो उसके साथ क्या सलूक होगा? पता नहीं कहां कहां से वो एक मिनट में आ जाते, पता नहीं कहां से उड़कर। अभी तो कोई नहीं आ रहा, ठीक कह रहे हैं, अभी तो ये कोई भी नहीं आ रहा, ये बात ठीक कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई भी तरह पैस करता है ना, पता नहीं कहां से उड़ के आए थे, यही से आ जाते हैं। अच्छा, कई उनके साथी होते हैं वो पीछे की लड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या भाई? जागर। आप लॉर पार्किंग का? नहीं, मैं वैसे होते चाचा ना गला वेला सी तो कहता मेरी हेल्प करा। कितने पैसे देना चाचा? कितने पैसे देना? मैं वैसे अंदर फीस अंदर काम करता आज वेला सी तो उन्होंने कहा मेरी हेल्प करा। ते हेल्प तो बदले भी कुछ होता है वैसे? कितनी पर्ची के पैसे लेते हो? 10 रुपए। सर ये टेलिंग लाए गर्मी में खड़े होके आप पूरा दिन बाइक सीधी कराएंगे? लड़का इनको क्या करते हैं? तो इनको दिन का क्या मिलेगा? खड़े तो ये किसने किससे 20 रुपए लिए दोबारा? देने लगे हैं किससे? उससे पूछे कितने? 20 रुपए दे दिए भाई जान। अस्सलाम वालेकुम, आज आपसे कोई 20 नहीं लेगा, आपको मुबारक हो। आप लुड़ियां डाले भंगड़े डाले वजीर साहब खड़े इस वजह से आज कोई नहीं लेगा 20 रुपए। ये आगे पीछे 20 लेते हैं? जोर नहीं डाला इनको, हमको दे दो इधर से आगे जितनी, इसलिए इधर खड़ी करते हैं मोटर। अच्छा, इधर से आगे जितने हैं ना वो सारे 20 रुपए कम नहीं लेने। ठीक हो गया, ये इनसे इधर अपनी मर्जी से भी दे देते हैं। ये पर्ची पे कितने पैसे लिखे जरा पढ़ के बताए? 10 रुपए कहाँ लिखे हैं मुझे पढ़ के दिखाए? कहीं ढूंढना है आपने? कहीं मिलेंगे तो मुझे बताना। गवर्नमेंट वाली ये फ्री होती थी पहले, इस पे 10 रुपए थे, वो 10 रुपए उधर रह जाते हैं, फाड़ देते हैं। फ्री होती थी? हाँ पहले होती थी। इसको कितनी मिलती है? कौन लुट रहे हैं? सुपरवाइजर? सुपरवाइजर कौन कर रहे हैं? आप लुट रहे हैं? सुपरवाइजर पैसे ले जाते हैं हमारे, बनती है तनख्वाह। वो कहते हैं कि आप लोग लूटी जा रहे हैं सुपरवाइजर साहब। देता हूँ लूटी नहीं, खुद ले रहे हैं। लगनी है ये देखे, इतने दिन भी नहीं, जितने दिन साइड ओपन होगा क्योंकि बारिश वाले दिन साइड अक्सर बंद हो जाती है, जितने बायोमेट्रिक इसका अंगूठा लगना उतनी ही अटेंडेंस आनी, उतनी ही सैलरी आनी। ये तो आपने पूरे दिन काम नहीं किया था? काम कर संडे की छुट्टी होती है, बताया पीछे ये पीएसएल की वजह से भी छुट्टियां आई हैं, छुट्टियां आती हैं जो छुट्टियां उस दिन छुट्टी नहीं। तो ये आप इनको जाके मिले, ये एचआर भी देख रहे हैं आपकी कंपनी का, ये नहीं सुनते नहीं। तो आप इनके मसले नहीं हल करेंगे तो कौन करेगा? आता है सर, ये आए ऑफिस आए हैं कुछ दिन पहले आए हैं, इनकी सैलरी जो मिली है, इनकी सैलरी वो आईडी कार्ड गलत था उसकी वजह से कैंसिल हो गई थी। तो सिर्फ बायोमेट्रिक की बेस पे सर हम अटेंडेंस देते हैं सैलरी जितने भी लोगों की दे रहे हैं। अभी इनकी तो 14,000 आई है तो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस थी हमारे पास, हमने 14,000 नहीं, वो कह रहे हैं कि सुपरवाइजर ले जाते हैं। सर संडे को साइट क्लोज होती है, उस दिन मैचिंग में साइट नहीं चली, संडे में साइट क्लोज थी, पिछले महीने में सारा पीएसएल चलता रहा, जितने दिन काम किया उतने दिन की सैलरी दे दी है। पीएसएल की वजह से मैं आपसे इस वक्त सैलरी की बात कर रहा हूं, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। इनको किसने कहा कि एक्स्ट्रा ले पैसे? सर कोई भी नहीं कहता। ओवर चार्जिंग का किसको हिदायत? आपको किसने कहा 20 रुपए लो? आपने कितने दिए? कितने मांगे? 20 रुपए देते हैं और ये पर्ची 10 रुपए आपने दे दिए? 20 रुपए नहीं भाई, देने आए देने आए। 10 रुपए देंगे आप? 20 रुपए नहीं बनते, ये आपसे गलत ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। पहली दफा 10 रुपए दे रहे हैं, मुबारक हो आपको। इन दोनों को फारिग करें जी सर, इस तरह के लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और इस तरह के जहाँ जहाँ लोग हैं उन सबको छुट्टी करें और अपना सिस्टम ठीक करें, अटेंडेंस का बकाया जो भी है वाजबात हैं, जिस तरह मिलने चाहिए मिलने चाहिए। बिल्कुल सर, मैं तो बजा रही हूं जी।
रोजाना लगाते हैं जी, कितने पैसे देते हैं? 20 रुपए तो मिनिमम देते हैं ना, कोई 30 भी लेता है। अच्छा 30 क्यों लेते हैं, 20 क्यों लेते हैं? ये यहाँ से पर्ची फाड़ते हैं, कहते हैं नाल गो, यहाँ सारे आगे पीछे 30। और अगर आप इनका कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वो लड़ देते हैं। यहाँ पर एक लड़का होता है, वो आज नहीं था, नौजवान सा था, तो वो लड़ते हैं। नहीं हमेशा कोई आपसे 20 मांगे 30 मांगे आपने नहीं देना। अच्छा इब्राहिम भाई ये देखें, पूरे लाहौर में आपको जहाँ जहाँ ली पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर या तो रेस किया होगा या ऊपर सफेद रंग मारा होगा। कोई बंदा वाला देगा कि यार इधर तो 10 रुपए लिखा हुआ है, वो कहेंगे पुरानी गल हो। नहीं नहीं, वो ये कहते हैं कि जो इधर के लोग हैं वो खुद इधर मिटा जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम 20 रुपए दें 30 रुपए दें, वो ये खुद कहते हैं। हमने कल पता किया क्योंकि अच्छा। करीम ब्लॉक में भी ऐसा ही था, तो उन्होंने कहा कि जो लोग आते हैं बाइक लगाने वो खुद कहते हैं कि ये मिटा दें, ज्यादा पैसे दे गवर्नमेंट को दे। हमारे पास बहुत पैसे हैं, मुल्क बहुत तरक्की कर गया है। ओह माय गॉड, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। आज मुझे बताए ना, अब सच बोलने का वक्त है, अब बहस करने वाला वक्त ही खत्म हो गया ना। ठीक है आपकी तो हो जानी छुट्टी, आप मुझे बताइए ऊपर वाले कौन लेते हैं आपसे, अपनी जेब में रखते हैं, जिस तरह भी करते हैं बता दें। कोई भी नहीं, बहस का वक्त नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास। 10-20 लेते हैं, वो कहाँ देते हैं? छुट्टी आपकी पहले होगी, सच बोलेंगे, हो सकता है कोई सिफारिश करूँ मैं सीओ साहब से। वैसे तो काम आपका तमाम हो गया, बताए सच बोल दे, रमजान का महीना है जी, मैं सच बोल रहा हूँ। तो किसको देते हैं ऊपर वाले जो पैसे होते हैं? हाँ वो ही माने थे कि किस पैसे ज़्यादा लेंगे। गुलबर्ग में थे, वो तो कहता मेरे सुपरवाइजर ले जाते हैं, कुछ मेरे से मॉडल ले जाते हैं। आप क्या करते हैं? अभी हमारे भी यदि वार्डन वाले का हम खुद ही देते हैं पैसे। नहीं आप ऊपर वाले जो 10 हैं कितने की है बुक? 1000 रुपये की बुक है। 1000 रुपये की बुक है ना, आप ले रहे हैं 2000, ऊपर वाले 1000 रुपये किसको दे रहे हैं? सर एक मैं आपको और चीज बता सकता हूँ सर, एक चीज बोलेंगे हो सकता है ये दिखाएं। फिलहाल आपका फैसला हो चुका है सर, एक सेकंड। ये टिकट है जो पहले इस्तेमाल होने हैं, ये क्या करते हैं इस टिकट को एक दफा इस्तेमाल करते हैं 20 रुपए पे, फिर इसको भी 20 पे करते हैं और ये काउंटर पार्ट जमा होता है। अभी देखे ना इस टिकट को कहाँ होना चाहिए था सर? गाड़ी के ऊपर। इसकी बुक में क्या कर रही है? इतनी सारी टिकट्स इसकी बुक में क्या कर रही है? यानी ये खत्म करने के बाद इसने ये भी बेचनी है, तो ये 1000 की बुक जो है वो 4000 कमा के देगी। सही, एम आई राइट और नॉट? ठीक है, ये 4000 तो वो 20 से कहानी सर 40 पे चली गई और 1000 से कहानी 4000 पे चली गई। इतना गहरा समंदर है इसमें, जितना उतरते जाएंगे सर उतनी ही कहानी। अब ये 11 बजे लगेगा तो ये 4000 की बुक 8000 पे चलेगी, डबल हो जाएगा। ये क्यों नहीं लगाई? ये आपके पास क्या कर रहे हैं? अजी ऐसे ही होती है, ये जमा होती है उधर। जमा तो ये होता है, ये भी होते जमा करते सर, जमा तो ये होता है, काउंटर पार्ट होता है। मैं इसके सर काउंटर पार्ट तो ये होता है। मैं एक मिनट अभी इसके मैनेजर को भेज के ना आप इसको चेक करें। तो एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं समझ लेता हूँ ना आपके, उनको नहीं पता मुझे पता है, मैं बता, मुझे पता है भाई सर। ठहरे, ये पर्ची किस चीज के लिए है? मैं ऊपर पढ़ा दूंगा ना, ये पर्ची किस चीज के लिए है? बाइक के लिए। ये गाक को देने के लिए ना, किस्मत को देने के लिए। ये दे दी गाक को, ये लगा दी सवारी के ऊपर, ये वापस जमा हो जाएगी गाक वाली। आप इधर, हेलो जी सर, कितने पैसे लेते हैं? ये 30 बाइक है, 30 रुपए, 20 या 30 करेंगे क्योंकि ऊपर रेट ही नहीं है। नहीं, रेट लिखा तो हुआ था, मिटा दिया ना, मिटा दिया। अच्छा ये आप देखिए, इसके ऊपर इन्होंने कलम नहीं फेरा हुआ सर, टेप लगा कर टेप के साथ ऊपर से पेपर ही खींच लिया, मिटा दिया ऊपर से। हाँ जी, और ओरिजिनल इसके पास है, उसने वो वाली नहीं दी, ये वाली दी, अभी जाके दिखा देता हूँ। अब ये काउंटर पार्ट जिसको कह रहे हैं करा दिए? नहीं नहीं अभी नहीं दिए। आपने जो बनते है ना 10 रुपए वही देने हैं? ठीक है, ये तो हर दबंग किस्म की एक दो नंबरी चल रही है। वो किधर गया? 100 रुपए ले रहा है किसी से। इसका नाम आपने नोट वगैरह नहीं? मैंने सिर्फ पिक्चर बना ली है इसकी, इसकी पिक्चर ले ली है। ये मेरे टोपे नहीं, आपकी तस्वीर नहीं, नहीं ये तो आपके है ना, ये मेरा है। हाँ आपकी तस्वीर उन्होंने ले ली है। ठीक है, सीधी बात बताओ कि ये पैसे जाते कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे हैं? आपकी नौकरी का मामला हल हो जाएगा, अभी जा रही है, सीधी बात करो। वजीर साहब खड़े में, आपके सीओ भी खड़े में, इससे ज्यादा बड़ा बंदा मैं नहीं कोई ला सकता। सीधी बात बताओ, मसला हल हो, अपनी जान भी बचाओ। सही, अगर ये समझ रहे हो कि चलना कल उनके साथ नौकरी हो गई तो चलोगे ना? सही बात है। कहाँ जाते हैं पैसे, किसके पास जाते हैं? जो आपको बता रहा हूँ सुपरवाइजर के पास लेके जाते हैं पैसे। सारा सुपरवाइजर ले जाते हैं या और भी ऊपर
वो सुपरवाइजर पहुंचाएगा ना? सारे सुपरवाइजर को देते हैं। अपने पास कितने रखते हो? 200-300 रुपया बस रखता हूं। हां जी ठीक है। ए पैसे कितने तक जाते हैं? नाम के पहले तो मुसाफ साहब थे, अभी पता नहीं कौन आया, नया आया कोई। बुक किसने आपको दी थी सुबह? वो शिष्य ने दी थी। एक सेकंड सर, ये सुन ले, ये भी मजे की बात है। सुबह आपको बुक किसने दी थी? सुपरवाइजर ने दी थी। अभी आपने बताया मेरे पास रिकॉर्डेड है कि उसके असिस्टेंट ने दी थी। हाँ जी असिस्टेंट ने दी थी ना, सुपरवाइजर का असिस्टेंट तो होता ही नहीं है, यानी वो कोई प्राइवेट बंदा है? पता नहीं, तो उन्होंने दी है। क्या नाम क्या है उस बंदे का जिसने आपको बुक दी है? मैंने तो देखिए, ये बुक जो है सुपरवाइजर के अलावा किसी को इशू हो ही नहीं सकती। अगर उसके नाम पर कोई और बंदा लाकर आपको दे रहा है तो इसका मतलब है वो दो नंबर और नौसरबाज है। उसका नाम क्या है? नवीन सुपरवाइजर का नाम की है। ये जो कंपनियां ये पर्चियां देते हैं ना, मैंने कल उनको कहा कि पैसे वाम नहीं देती है, 10 रुपये साढ़े लिखे हुए हैं, ये भी लिखे हैं, 20 रुपये कोई नहीं देता। वो कहते हैं कि हमें 20-30 लो पैसे पूरे चाहिए। इस वजह से मुझे आज काम पे खड़ा नहीं किया। अच्छा। मैंने उसको कहा कि मैं नहीं ले सकता, उसने कहा कि नहीं ले सकते, आप काम से जाओ। मुझे आज उन्होंने काम पे नहीं लगाया, मैं सुबह का यहाँ पर दलील हो रहा हूँ। आप एम्प्लॉई हो हमारे? वो कह रहे हैं कि मैंने सुपरवाइजर से कहा कि मैं हराम नहीं कमा के दे सकता, आज उसने मुझे काम पे नहीं लगाया। ये टोकन जोन से है, वो कहते हैं ये हमें पूरे वापस चाहिए। मतलब डेली आप उसको कमा के देते थे, आज पहले दिन ड्यूटी पे आए हो? कमा के देता हूँ, मुझे तीन का मैं हराम नहीं कमा के दूंगा। तो यार नहीं कमा के, नई बुक आएगी ना? ये बुक नहीं आएगी ना सर, वो कहता नहीं। पुरानी बुक पे कमा के दे रहे थे, फाड़ देते थे, अब वो पूरी बुक पर लिखवा खत्म करने के लिए तो हमने पूरी बुक पे लगाया। अब वो कह रहे हैं कि उसने तीन साल अगर इसमें उसको सपोर्ट किया है तो मैं ऐसे ही सारा माफिया, तो सुपरवाइजर भी जाएगा। अगर वो कर रहा है ये गया है ना, तो वो भी जाएगा। ठीक है, जायज बात है, वो भी जाएगा। उसको कह के मैं पैसे नहीं ले सकता, ये ना उसको ओवरचार्ज क्यों करके देता रहा? गंदे धंधे में सब मिलकर करते रहे, क्यों करता रहा? आज जब इसका नहीं चला तो इसने कह दिया उसको नौकरी से निकाल दिया, वो भी याद रखो। जिंदगी में जिस मुआशरे में मैं और आप रहते हैं ना जी सर, इसमें फंसे बंदे के साथ कोई नहीं होता। वो बंदा जो एक घंटा पहले आपके साथ रोटी खा रहा होगा, आप फंस जाएंगे, वो आपके साथ ताल्लुक ही खत्म कर देगा। जी सर। वो कहेगा मैं वेख्या ही आज। सर ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये टोकन जोन से वो कहते हैं कोई नहीं लगाना, ये वापस चाहिए। आज बताया पहले आपने, ये वापस चाहिए सर। मैंने ओहो जरूर, मेरी बात मैं तो 10 प्रोग्राम कर बैठा, पूरे मुल्क को पता भाई मैंने किए हुए प्रोग्राम नहीं। मैं तो पहले मर गया। वो कह रहे हैं उनको उधर ले गया। हाँ जी सर, मैंने बहुत, मैं तो ये टकरे मारता रहा। कह रहा हूँ ये बातें पहले बताता तो ये पहले इस पे एक्शन पहले ले लेते, इसने नहीं बताई आज तक। सर इसी डर से नहीं वो जाते हैं, जॉब उसने खत्म की है, इसने आपको फौरन बता दिया सर। आज आप आए इस वजह से आपको बता रहे हैं? अक्सर आता हूँ, पूछे मैं हफ्ते में दो दो तीन तीन विजिट करता हूँ यहाँ पे। बहुत आते हैं तो आप उनको बताते क्यों? अगर बता रही है उनको बुला के लेके आओ। कहाँ पे है वो? ये आ गया, आ जाओ ये सामने आ जाओ। दूसरे जो बात है ना वो ये कि अगर कोई किसी की वो बताता है ना कि इधर को खुर्द-बुर्द हो रही है, तो हम उसको जो है ना कोई वो भी देंगे, अवार्ड भी देंगे, उसको हम एक्नॉलेज भी करेंगे। ये पैदल चलने का रास्ता है, पर्ची नहीं है सर, ये खत्म है। लोग आते हैं यहाँ पे लगा के चले जाते हैं। अब सर ट्रैफिक वार्डन वाला क्या करेगा? वो आएगा, वो हमारे वर्कर को उठा लेगा, कहेगा यहाँ पैसे मांगेगा, नहीं मिलेंगे तो इस पेज पे पर्चा दे देगा उसको FIR। वजीर बल्दियात हैं इब्राहिम साहब, पैसे कितने लेते हैं वो बताएं? नहीं उन्होंने ना ये लिखे हुए तो 10 हैं और ऊपर से काटा हुआ, अभी पता नहीं है कितने लेते हैं। सर आपकी पर्ची रीडेबल है ना? 10 रुपीज रीडेबल है ना? सर देखिए मेरी बात सुनिए, यार कॉमन पब्लिक वो हर चौक चौराहे में नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल हमें सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, कितने चार्जेस यहाँ पर लेते हैं? वजीरे बल्दियात हैं जी, आपके साथ क्या पर इस टाइम पे? सर ये तो बहुत ज्यादा, ये तो माफिया बना हुआ है यकीन करें, और समटाइम्स तो फैमिलीज होती हैं और ये लोग बिल्कुल ही जो है ना इस चीज का नहीं कर रहे होते, और इनके साथ और भी लोग आ जाते हैं, वो जो समटाइम्स ये जो है ना गुंडे टाइप होते हैं बदमाश, तो इसका तो आप बिल्कुल करें। और चार्जेस तो ये अपनी मन पसंद भी ले लेते हैं, जरा फैमिली देखते हैं, अमूमन 50 रुपये चार्जेस कर रहे हैं, साइकिल का लेते हैं, और एक गाड़ी देख लेना 1 घंटे का 300 से आपका ले लेते हैं। एक घंटे के साथ 1 घंटों के गाड़ी कोई देखी है? गाड़ी लगवाई है 300-200-300 घंटों के हिसाब से कुछ चार्जेस ले रहे हैं। और पार्किंग प्लाजा सर वो ओवरली चार्ज कर रहा है सर, वो कर रहा है सर, वो इनका अपना पार्किंग प्लाजा प्राइवेट है, वो हमारा नहीं है। नहीं नहीं सर्विस लेन की आप बात करें, सर्विस लेन पे भी यही हिसाब है, 100-200-300 देखते हैं ना गाड़ी का नंबर के आउट ऑफ सिटी से है
उसको 300 रुपया, उन्हें तो पता है लॉर्ड ऑफ सिटी से आया, ले ले 200 ले लो, 300 दे दो, घंटों के हिसाब से इधर चार्जिंग कर रहे हैं। कितने पैसे लिए भाई? 50 दिए, 30 वापस दिए। 50 दिए, 30 वापस दिए, यानी 20 रुपए। ये दे रहे ऊपर लिखो है। नहीं, आपने मेरी बात तो सुनो ना, आपने इनसे कितने पैसे लिए? अभी कितने दी? 50 दिए। 50 दिए, कितने मिले हैं? 30 दिए। 30 दिए ना, ये तो आप दे रहे हो यार। अब नहीं दे रहे सर, दे रहा हूँ बकाया। अब दे रहे हो ना? अब नहीं दे रहे, दे रहा हूँ बकाया, निकाल के दे रहे ना। आपका सुपरवाइजर कौन है? ये सुपरवाइजर कौन है? कोई नहीं है, आज मैं पहले दिन आया हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताए कि ये जो है इसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है, तो आप पक्की बात है 10 ही लिखा? जी, 10 ही। इससे पहले भी कोई बुक चलाई है आपने? नहीं, अभी कोई भी नहीं चलाई। ये क्यों नहीं आपने इधर बाइक्स पे क्यों नहीं लगाए? सर कोई लगा, ये इधर रखे हुए, ये नहीं चला रहे। ये देखे सर, आप मोटरसाइकिल आते लाने सर उस्ताद। अच्छा जी, क्यों नहीं लाए सर? तुमसे कह नहीं चला रहे, कल ही चला रहे हैं सर। सर मैंने ना वो सुपरवाइजर ने मुझे बताया, कॉल करके पूछा, कह रहा मैंने मना किया क्योंकि इस पे पैसे चार्ज करते हैं। मैंने कहा मैं आप दोनों से पूरे लूंगा, और सर शाम को ये करता है कि इसको जमा करवाता है ऑफिस में, ये सर ऑफिस में जमा हो जाते हैं, ये दोनों ही जमा हो रही है। पर्ची का एक मकसद होता है सर, वो सही है, वो पता है क्या, वो इसी वजह से रोक दिया कि वो इस पे पैसे ना चार्ज कर ले, क्योंकि कंप्लेन ये आ रही थी कि दरमियान वाली पर्ची पे पैसे चार्ज होते हैं। चले जी, आगे चलो। सुपरवाइजर ने इसको मना कर दिया। कितने पैसे लिए यार? मैंने इसे 50 दिए, इसने मुझे बाकी 30 रुपए दिए, 20 इसने काट लिए। मैं जाने लगा था, इसने पूछा तो मैं रुक गया। ये 10 रुपए पीछे ही क्यों निकल दे रहे? दस ही लिखे, दस ही लेने बोल रहे हैं। सारा सारों सही कह रहे हैं, पैसे कटे क्यों? ऐसे ही ने पक्के सही, पक्के सही। ये पैसे क्यों काटे हुए? इधर देखो, अपना चेहरा तो सही रहा जो आप इधर देखो ना, ये पैसे काटे क्यों हुए? बोल सही था। मिनिस्टर साहब कहाँ पे हैं? सर सेम सिचुएशन, पैसे काटे, कितने पैसे लिए? 20 रुपए सर। 20 सर उनको बकाया दे रहा था। ये वजीर याद है भाई, सारे ही माशाल्लाह इतने मासूम हैं, ऊपर वाले किसको देने हैं? बता दो, आपकी तो छुट्टी हो गई है, हो सकता है सच बोले कोई। पैसे लेते हैं रात को, लेते हैं भाई जान 20 रुपए का सर। हाँ जी, हाँ जी, उसको 10 देते हैं 20 रुपए। सुपरवाइजर को कितना देते हैं? वो कह रहे हैं सुपरवाइजर को दे रहे हैं। सीओ लाहौर पार्किंग कंपनी है। आपने कभी ये बात इनको बताई है कि आपके सुपरवाइजर आपसे रिश्वत लेते हैं? नहीं। क्यों नहीं बताई? पूछा ही नहीं किसी ने। अगे सारी गल्ला जेड़े पूछदे ने ओही दसदे हो? हां जी, हां जी, राइट है। ये सब ये ले ख्याल है सारे सुपरवाइजर्स को फारिग करना पड़ेगा 37 लाहौर शहर के। सुपरवाइजर को निकाल देंगे आप, 10 रुपए लोगे, हल्फन लिख के देते हो, ना हुआ तो फिर लेंगे भाई 10 रुपए। ये लोग खुद बाज नहीं आते, इनको इनको अपनी दिहाड़ी मिलनी है 600-700 सुपरवाइजर से। ये लोग अपनी माफिया जो छेड़ी है 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। आप कौन है? मैं सर बाइक ही यहीं पे लगाएं। अपना मेरी 3 महीने की तनख्वाह लेके दे सकते हैं आप? आप वर्कर हैं कंपनी से, लेके दे देंगे मुझे। आपके उसने देनी है ना, हमने देनी है आपको तनख्वाह। हमसे हमसे लो, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं, आपको तनख्वाह की तनख्वाह हमारे काम गई, वो कहां है? ले गया एक सेकंड, रुका तो जमा हो गई है। नहीं दिए पैसे भाई जान, हमें नहीं मिलते पैसे। आपकी अटेंडेंस लगी थी? अटेंडेंस लगी, पैसे मिलते नहीं हमें, 3 महीने हो गए। कब नहीं मिली? कह रहे 3 महीने तनख्वाह कहां गई कंपनी? 2 महीने के पहले जमा है हमारी। ये सीओ साहब है, ये लेके देंगे सर। साडा भी कुछ नहीं, नहीं अगर जायज बात होगी वो करवा के देंगे। 20 तारीख को 3 महीने हो जाने मेरे, ये 20 तारीख को 3 महीने हो जाने, ये 20 तारीख को अभी आपको बता दूं एक पैसा नहीं मिला। आती है तो 12,000 में आपको रसीद दिखाता हूँ कितनी तनख्वाह। तो ये आपको किसने कहा कि अगर तनख्वाह ना मिले? बात सुने, भैया आपको किसने कहा कि हराम खाना शुरू कर दे अगर तनख्वाह नहीं मिल रही? ये किसने कहा? ये किसने कहा हराम कमाए? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का। कितने पैसे दिए? 20 रुपए, 30 रुपए, 20 हैं। आगे आए, आगे आए, पैसे वापस करें, पैसे वापस करें दोनों के। उन्होंने भाई वजीर साहब खड़े हुए हैं, मजाक नहीं चल रहा, आपकी कंपनी के सीईओ भी खड़े हैं। कर वैसे पैसे वापस, आपने 30 नहीं सर, आप ले पैसे वापस। खुशी से दिए थे क्या आपने? 10 रुपए मुझे दे देना, खुशी से दे के गए सर हम तो। टोकन टोकन दिखा सकते हैं जो आपको दिया था? ये टोकन भी बेचती है? ये वाला टोकन है। ओ भाई एक सेकंड, ये टोकन कहाँ से आया? जो ये टोकन है मारा, ये वाला टोकन। आप बाइक का नंबर दिखाएं, जरा पीछे से दिखाएं।
3620 सर, ये बुक की वो कॉपी है जो जमा होनी थी वहाँ पर, लास्ट कॉपी वो भी नीचे फटा पड़ा हुआ है। एक मिनट उस्ताद, उतने नंबर लिखे आए एक मिनट सर, नीचे आपने क्या घर से बना के लाए थे ये? नहीं, यही देता है, यही टोकन है, यही दे रहा हूँ टोकन। और ये किसने दिया है? ये वाला टोकन मैंने नहीं दिया, मेरा ये वाला टोकन चल रहा है सर, मेरा ये टोकन चल रहा है। ये सब प्लीज की चेक करें इसको, इधर आओ जरा एक सेकंड, खोलो इसको, एक मिनट खोलो इसको, इसमें चेक करें, बुक निकालो बाहर, ये लो, ये देख, फिर देखे ना झूठ बोली जा रहे हैं, गए हैं चेक करें इसको, भी टर्मिनेट करें, ये ले कितनी चाहिए सर? इब्राहिम भाई ये ले, ये भी बांटे जा रहे हो, हराम कमा रहे हो, कुछ तो ख्याल करो आवाम का। वो तो झूठा भी कीती जा रहे, झूठ भी बोल रहे ऊपर से, कोई शर्म नहीं है, सॉरी सर, कोई इनका लिहाज नहीं है, कारोबार नहीं है सर, कारोबार कर रहे हो? नहीं, कहते कारोबार नहीं है, आपने कोशिश की है कोई और कारोबार करने? नहीं सर, सर अभी गोल्डन वाले उठा के ले गए थे सर, वहाँ पे 2 घंटे रह के आया हूँ सर, तकरीबन 27-28 टोकन सर, रात को समझे कि 700-800 रुपया अभी दिहाड़ी ना सर, वो भी पूरी नहीं होती सर, मिलती पार्किंग कंपनी से सर, सैलरी पे आपको पता है सर कितनी है रेवेन्यू सर होता है, जो उस वजह से, सॉरी सर। नहीं ये रखें आप, ये रखें, ये आपका ही माल है, सॉरी सर, फाड़ो इसको, फेंको। अब आप ये देखें इब्राहिम भाई कि ये चीज़ें जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा होनी थी, गवर्नमेंट ने नहीं ली, फिर भी इनको नई बुक जारी हुई है, इसका मतलब यह है कि ऊपर तक बंदे मिले हैं। ये समझने की कोशिश करें कि जो बुक इशू कर रहा है वो बंदा भी इस सिस्टम का हिस्सा है। अब ये देखें सीओ साहब, सर वो टोकन जो पुरानी बुक्स में से जमा होने थे उनके काउंटर पार्ट्स, वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। ये पेंडिंग काउंटर पार्ट का ना हम हर हफ्ते ना हर जुमे को रिकनसाइल करते हैं पूरे हफ्ते के, तो ये लाजमी बात है कि रिकनसिलेशन उन्होंने डाले हुए होंगे कि हमें काउंटर पार्ट जमा करवाएं, जब जब तक नई बुक इनको कैसे जारी होगी अगर काउंटर पार्ट जमा ही नहीं हुआ तो? वो आउटस्टैंडिंग इसके खाते में हमने डाल दिया है, इसके सुपरवाइजर करवा के बता सकते हैं कितनी है? ये तो आपका मुलाजिम भी नहीं, सीरियल नंबर वो उन्हें तो काउंटर पार्ट वाली लिस्ट पर भेजे नहीं है, लेटर इशू किया, ये आपका मुलाजिम भी नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? वो तो आपकी बुक उठा के खड़ा है। इसे सादा लफ्जों में बताऊं क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नौसरबाज पार्किंग माफिया। ये आपका मुलाजिम नहीं, आप चेक करें, इंस्पेक्शन भी ले लेते हैं। आप पार्किंग के मुलाजिम हो? जी जी सर। कैसे साबित होगा ये वाला? हाँ कैसे साबित होगा सर? वो तो सुपरवाइजर से मैं बुलाऊं, सुपरवाइजर को बुलाऊं? अभी तो वो होंगे नहीं। नाम क्या है सुपरवाइजर का? नाम सर, ही इवन डोंट नो द नेम ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का नाम नहीं पता? पहले इमरान भाई थे, अब नजम भाई आए। कहाँ है नजम? अभी मेरे ख्याल चले गए होंगे वो, यहाँ होंगे नहीं। इधर के सर मैं उन्हें कॉपी का साथ भी देता हूँ। नहीं अपना 700-800 उसको कितना देते हो? मुझे सर 700 रुपया से वो मिलती है, दिहाड़ी देते हैं तो बाकी सारी 700-800 नहीं सैलरी नहीं मिल रही मुझे, मैं डेली बेसिस पे हूँ, मैं डेली बेसिस पे हूँ, ये बात है। 5-6 हज़ार कमा रहे हैं दिन का, 700-800 इसको दे रहे हैं। हाँ जी, मैं पहले भी सुपरवाइजर से डेली बेसिस पे कर रहा था काम। क्या हुआ? वही पर्ची पुराने वाले, सॉरी सर। अच्छा अपनी गलती मान ली सर, सॉरी। और थल्ले लो आ यार, ओके सर मैं निकलवा देता हूँ। ये भी कॉपी, ये भी उसकी सर, वही बात गलती होगी सर इसकी वजह से, ये पुरानी कॉपी थी सर। लगाएंगे तुम्हें 10-15 चित्र सर, सॉरी। हाँ महीना दो रखे तुम्हें अंदर, सॉरी सर। सॉरी क्या कर रहे हो मुराद भाई? ये गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है सर, मुझे पता चल गया। आपको क्यों नहीं अभी तक चल रहा पता? मैं चेक कर लेता हूं, मैं कह रहा हूं आपकी बुक सर, ये कितनी खौफनाक बात है कि सरकार की बुक, सरकार की रेवेन्यू कलेक्शन प्राइवेट लोगों के हाथ में। 15 कॉल करें इसको, इसको अरेस्ट करें, अभी कर लेता हूं। छोड़ी सर मैं बात कर रहा हूं, 1 मिनट उन्हें बुला लेता हूं, 1 मिनट। किनको? सुपरवाइजर साहब को। साहब क्या हिसाब है दिन का? साहब जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, साहब जी मैं आपको वहाँ नहीं, मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं जाता कहीं। आ जी, आ जी, आ गया, मैं आपके पास ही हूँ, मैं आपके पास ही हूँ। अच्छा साहब जी मुझे यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, मैं दिहाड़ी पे हूँ, मैं तकरीबन साहब जी 6-7 माह हो गए यहाँ पे कर रहा हूँ, 6-7 माह हो गए।
तो सर इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ काम। दिन का 700-800 तुम्हें मिलता है? दिन की मुझे 700 रुपया दिहाड़ी देते हैं। की बुक निकलती है 4,000, 5,000, 10,000? नहीं, ये जो टोकन है ना सर, ये पहले वाली लाइन में ना सर 70 या 65 टोकन लग जाते हैं बस। कितने पाली? 70-65 टोकन सर। 70-65 टोकनों का मैं उन्हें देता हूँ सर, 800-900 रुपया उन्हें देता हूँ, 700-800 रुपया सर मेरा बन जाता है। ये जो रिकॉर्ड लगा के सर 200-300 रुपया बनता है, वो अपना रोटी पानी का कर लेते हैं सर, इसके अलावा कुछ नहीं। पर्ची का कितना लेना है? 20 रुपये लेना है, 30 रुपये? वो कहते हैं पर्ची जो आपको दे जाए आपने उस हिसाब से हमें साथ देना है। कितना लेना है? 10 रुपये? 20 रुपये कहते हैं। 20 रुपये? 20 रुपये कहते हैं सर। सारी लोड पार्किंग में 20 रुपये का हिसाब नहीं लोगे तो फिर आपको जेब से पूरे करने पड़ेंगे शायद जी। हाँ जी, हमने रेवन्यू पूरा उन्हें देना ही देना जो, पर इसलिए तो सर कटिंग करने का मौका पिछली पर्चियां चला इसलिए। हाँ जी, हाँ जी सर। महंगाई के दौर में आपको 10 रुपए की बजाय 20-30 रुपए दे देते हैं लोग। हाँ, देते हैं लोग। और 20 के साथ हमें तो कोई 1 रुपया भी नहीं एक्स्ट्रा देता, इधर सारे 20 रुपए देके जाते हैं। इनकी बदमाशी भी है ना, क्वालिफिकेशन है सर, कोई काम नहीं मिल रहा। अगर 20 रुपए लिखे हुए हैं ना तो ये 50 रुपए चार्जिंग लेते हैं, अगर 50 लिखे हुए हैं तो ये 100 रुपया लेते हैं। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। कितने पैसे दिए हैं? 20 रुपए मांग रहे हैं जी। तो आप पीछे हो जाए। 20 रुपए मांग रहे हैं भाई जान, आगे आए, आगे आ जाओ साहब। कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपए पार्किंग है, 10 ईद के ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं। 10 रुपए? 10 पार्किंग है, 10 ईद के ले रहे हैं। अच्छा जी, मजेदार बात है ना। क्या क्या ले रहे हैं भाई को, क्या क्या भेजा है? इधर दिखाएं। हाँ देखें, इस पे कितने ले रहे हो? 10 ही ले रहे हैं। इधर तो दिखाओ ना, इधर दिखाओ सही। दिखाओ, इस पे कितने ले रहे हो? 10 ही ले रहे हैं। इस पे नहीं ले रहे, इस पे। अच्छा, आप तो 20 आपने बताया ना, फाड़ के दिया मेरी जान, फाड़ के दिया ना। नहीं, उनको कह के बिता के भेजा सर ना, क्या की ईदी लेनी 10 20 रुपए? नहीं, ईद नहीं गया ना, नहीं गया ना। चाचा तुम सारे सच हो, बगाए सारी दुनिया चो। भाई जान कितने पैसे देते हैं? पता नहीं, हमने तो 50 दिए हैं फिलहाल। कितने देते हैं? ऊपर लिखे होते 10 रुपए, क्यों देते हो 50 रुपए? ऊपर नहीं लिखे, दे दो यार बकाया दो। हाँ, 20 ही हैं। अच्छा, 20 लेते हैं। ना दो तो की कर देने? कुछ नहीं कहते, बाइक नहीं निकले। रख लो अपने पास, ये भी रखो। नाज़रीन, चूंकि आज पूरा दिन वजीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद रहे और लाहौर के शाहराओं पर जो भत्ता इकट्ठा किया जाता है उसको अपनी आंखों से विटनेस किया, मैं इनसे बात करने से पहले एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगा ताकि बाकी लोग भी कुछ सीखें कि अमूमी तौर पर ये कल्चर हमारा नहीं है। वजीर सफ़ीर नॉर्मली समझा जाता है कि पाँव तले मेहंदी होती है, लेकिन आई एम ऑनर्ड नौजवान आदमी है और गरीब आदमी के साथ निकले हैं। सर थैंक यू वेरी मच जी। जी आज हमने जी जितनी भी ये लाहौर की पार्किंग की कुछ साइट्स थी इनका विज़िट किया है और कुछ 5-6 दिन से मुझे कंप्लेन आ रही थी कि ओवर चार्जिंग हो रही है और ये बड़े अरसे से चल रहा है और हमने देखा कि शहरियों को दिन दिहाड़े लूटा जा रहा है और जिस तरह आपने फरमाया कि भत्ताखोरी हो रही है तो ये हुकूमत पंजाब जो है इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी और हम सख्त से सख्त एक्शन करेंगे। हमने आज टर्मिनेशन भी की है, हमने लोगों को सस्पेंड भी किया है और मुझे तो ये रिपोर्ट हुआ कि हाईएस्ट ऑफिस के भी एक फ़र्द से जो है ओवर चार्जिंग की है कल परसों और उन्होंने मुझे खातून ने बताया कि ज़बरदस्ती उनसे पैसे लिए गए हैं। तो ये जितने भी हैं, पहले तो मैं शहरियों को बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इनके झांसे में ना आएँ और जो डेजिग्नेटेड प्राइस लिखी है वही आप पे करें, जो पर्ची पे असली कीमत है वो पे करें और जितने लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाज़मीन हैं मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं हम यकीन करें हम सबको फारिग कर देंगे लेकिन हम ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे शहरियों की जेबों पे डाका डाला जाए। आई एम रियली ऑनर्ड, अल्लाह आपसे राज़ी हो। एक हम्बल सबमिशन, एक हम्बल रिक्वेस्ट, इज़ इट पॉसिबल कि हस्पतालों की पार्किंग्स को रिव्यू किया जा सके? जी बिल्कुल, मैं उनको ही विज़िट करूंगा और हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह आपने भी तजवीज़ दी कि इनको जो है बिला मुआवजा पार्किंग की इजाज़त दी जाए ताकि जो पेशेंट्स आते हैं, गरीब आवाम आती है पूरे पंजाब से, इनकी मुश्किलें कुछ आसान हो सके। एक आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तानी कौम को ये हक होना चाहिए कि वो डिजिटलाइज्ड पार्किंग की तरफ बढ़ने की सोच भी सके? अभी तक तो नहीं सोचता कोई, क्या आपके आने के बाद हमें ये तवक्को होनी चाहिए कि कल हो सकता है ऐसा हो जाए? जी, मेरी जो पहली मीटिंग थी उसमें मैंने इनको यही कहा कि हुकूमत का तो काम है ही नहीं कि वो खड़े होकर 10-20-30 रुपए इकट्ठे करें और हम इसको आउटसोर्स करने की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जो है हमें उम्मीद है कि एक बहुत ही शफाफ तरीके से ई बिडिंग के थ्रू ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको शफाफ तरीके से आउटसोर्स करेंगे और फिर हुकूमत सिर्फ ये मॉनिटर करेगी कि जो सही प्रिस्क्राइब फ़ी है वो चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही। मोहतरम जनाब इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज उन्होंने
हर मामला अपनी आंखों से देखा है। अब हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस तमाम जहद का एक अच्छा बेहतरीन किस्म का समर जो है वो गरीब आदमी को नसीब फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, अस्सलामुअलैकुम।